आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करेंगे जबरदस्त गर्मा गर्म टेक न्यूज हमेशा की तरह लेके आ गया हूं। एक चीज तो दोस्तों मानते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर धीरे बढ़ रहे हैं, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहे, लेकिन कोई बात नहीं। जो टेक न्यूज पर आपने डेली प्यार दिया ना, ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए और ये हमारे चैनल का हार्ट है। जी हाँ, दिल है टेक न्यूज। तो आप ऐसे प्यारा सपोर्ट इस पर बनाए रखना, इस पर ना माहौल कभी ठंडा मत करना। मैंने दोस्तों पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई स्मार्टफोन जब आप परचेज करते हैं बॉक्स में जो यूजर गाइड आता है, क्या आप उसको पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने वोट डाला और 80% से ज्यादा अल्ट्रा लेजेंड्स ने यह कहा हम नहीं पढ़ते और जरूरत भी नहीं पड़ती होगी। इवन मैंने भी कुछ फोन्स लिया था तो मैंने भी नहीं पढ़ा। खैर, और कुछ लोग ऐसे शरीफ ज्यादे हैं जिन्होंने कहा हम पढ़ लेते हैं। एनीवेज, एक ऐसा वीडियो बनाया हूं दोस्तों मैंने, बहुत रिस्की वीडियो है, मे बी 3 साल बाद मैं ऐसा वीडियो बनाया हूं और पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, मे बी शायद कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए, जो भी हो जाए। कल वो वीडियो आएगा दोस्तों 11 बजे शार्प, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। और हमने Redmi Note 9 जो लॉन्च हुए चाइना में 5G सीरीज, उस पर एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया, उसको आप जरूर से जाके देखना। लाइक करते रहिए दोस्तों, लाइक बढ़ा दीजिए, 50,000 कर दीजिए 50,000, और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं उन बेसब्रे गेमर से जो इंडिया के अंदर सोनी प्लेस्टेशन 5 ना ग्रे मार्केट से उठा रहे। जी हाँ, उल्टा डबल भाव दे रहे हैं वो, जो ग्रे मार्केट में आपको पता है ना डिमांड कितना ज्यादा है, क्योंकि ऑफिशियली तो लॉन्च हुआ नहीं है और वो लोग तो ऐसे खड़े आते लेना है ले तो निकल, हाँ और भी पैसे ज्यादा। तो जो लोग ले रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, आपको बता दूं सोनी ने ऑफिशियली ऐसा बताया कि अगर आप ले रहे हैं तो याद रहिए, क्योंकि ऑफिशियल वारंटी क्लेम करने के लिए आपके पास सोनी इंडिया का ऑफिशियल वारंटी कार्ड होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा दोस्त, तो फ्यूचर में लेने के बाद उस पर वारंटी अवेल नहीं कर सकेंगे। अब ये ग्रे मार्केट वाले देते नहीं देते उसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो अगर आपने ले लिया तो जांच पड़ताल करिए, और नहीं लिया तो रुक जाइए, ऑफिशियली आ जाएगा तो उसके बाद आपको प्रॉपर वारंटी कार्ड मिलेगा, तो आप वारंटी अवेल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमको सबर नहीं है, डबल भाव में देना है, गेम खेलना है, थोड़ा रुक जाइए, इतना पैसा क्यों दे रहे, क्यों उनका डिमांड बढ़ा रहे, तो ऑफिशियली परचेस करिए, ये मेरी सलाह है। टेक्नो रुहेज नहीं, टेक्नो जो कंपनी है, हाँ, बाद में उनको मारेंगे कॉर्पोरेट। खैर, इन्होंने बताया कि 4 दिसंबर को वो इंडिया में अपने बजट गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। जी हाँ, इसमें हीलियो G80 होगा, बड़ी डिस्प्ले होगी, 6000 एमएच की बैटरी है, और ये वही फोन है जो हाल ही में नाइजीरिया में लॉन्च हुआ था। तो 4 दिसंबर को इंडिया में ये आएगा और 10,000 की रेंज में आपको मिल सकता है। इस फोन का नाम है टेक्नो पोवा। वो पोहा, अभी आगे चल के टेक्नो चिकन 65, टेक्नो पनीर टिक्का, ऐसे भी फोन्स के नाम हो सकते हैं। लेकिन खैर, देखते दोस्तों आने दो, ये फोन ठीक ठाक होता है, कैसा होता है, क्या प्राइस होती है, ये तो जब आएगा तो आपको बताएंगे। Redmi की तरफ से दोस्तों खबर आ रही है, और कल चाइना में Redmi ने कमाल कर दिया, बहुत सारे फोन्स लॉन्च किए, आई थिंक साथ में एक वॉच भी उन्होंने लॉन्च किया था जो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की थी, 3000 की। अब वो भी इंडिया में आएगी कि नहीं आएगी उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन अब दोस्तों मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया है Redmi का एक नया स्मार्टफोन जो कंप्लीटली न्यू मॉडल नंबर के साथ में EEC सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ है। अभी कौन सा फोन है फिलहाल के लिए नहीं बताया जा रहा है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद Redmi K40 सीरीज हो सकती है। जी हाँ, Redmi K30 सीरीज गई, वो तो डिसकंटिन्यू भी कर दिए थे उन्होंने, लेकिन अब K40 सीरीज आ रही है जो 5G आएगा, और मे बी शायद इंडिया में इस बार हमें ये देखने को मिल सकते हैं। देखते दोस्तों आने दीजिए, एक और फोन आ रहा है, देखा नहीं बोल सकते, जब आएगा तो आपको बताएगी। वैसे Honor इंडिया में बताया जा रहा है कि वो अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, शायद दिसंबर के अंदर हमें ये फोन देखने को मिल सकता है। हाल ही में Huawei ने Honor को सोल्ड कर दिया, तो Honor एकदम इंडिपेंडेंट हो चुका है। अब उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिया में आने वाले फोन्स पर, ये अभी नहीं पता है। लेकिन Honor का ये जो नया फोन आ रहा है, ये शायद Honor 10X Lite हो सकता है जो हाल ही में लॉन्च हुआ था, जिसमें Kirin 710F वाला प्रोसेसर था। मतलब बंद कर देना चाहिए अभी इस प्रोसेसर को और कुछ नया देना चाहिए, तो शायद ये वो फोन हो सकता है। ये क्या पता कंप्लीटली न्यू फोन वो लोग इंडिया में लेके आए, क्योंकि इंडिया के सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ है। आने दीजिए Honor को भी, देख लेंगे कि इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या खास करते, तो जब आएगा तो हमें पता चलेगा। वैसे दोस्तों 2021 में मुझे लगता है कि जियो ना राज करेगा। जी हाँ, बहुत सारे उनके प्लान है और मुझे पता है, मैं बात करता हूं, लेकिन 2021 में ना धमाल होगा। और अभी जो दो खबर आ रही है, दोनों ही बहुत ही कमाल की है। पहले तो दोस्तों इंडिया में जियो बताया जा रहा है कि वीवो के साथ में पार्टनरशिप कर रहा है, अपने कुछ एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा। एक्सक्लूसिव यानी कि ये नॉर्मल फोन्स ही होंगे, लेकिन इनमें आपको कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स के बेनिफिट्स मिलेंगे, Amazon, Netflix वगैरह के कुछ स्कीम्स लाएंगे, आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, शॉपिंग बेनिफिट्स होंगे इस फोन को
लेने के बाद ऐसे यहां पर बातें चल रही है, तो जो बहुत ही अच्छी बात है और काफी अफोर्डेबल रेंज का ये फोन होगा। उसके अलावा दोस्तों जियो बताया जा रहा है कि वो अपना उन्होंने जियो क्लैश रॉयल टूर्नामेंट शुरू किया है जो कल से हो जाएगा और ये 25 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास जियो सिम हो, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और 2.5 लाख रुपए का इसमें वो कैश प्राइस भी दे रहे हैं और वीकली गिव अवेज होगा। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूं, वहां पर जाके पार्टिसिपेट करिए, कल से शुरू हो जाएगा। बस मुझे इंतजार है जियो के न्यू 5G फोन का जो इस साल की एंड और मे बी 2021 की शुरुआत से आएगी, और आएगी ना दोस्तों बहुत ही मजा आएगा। ओप्पो रेनो 5 प्रो, इसकी कुछ फोटोज यानी कि लाइव फोटोज दोस्तों बाहर निकल कर आ चुकी है और ये देखिए, ओ ठरकी हो, हाँ फोन है हाथ में लड़की के, ये देखो, हाँ इसमें उसने दिखाई, ये चेहरा नहीं दिख रहा है, कमाल करते हैं आप लोग, हद होती है। खैर, तो हाँ ये कुछ इस तरीके का पीछे से ये फोन दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप की डिजाइन आपको मिल रही है और डिजिटल चैट स्टेशन ने ये भी बताया कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस वाला प्रोसेसर भी होगा। किसमें बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 865 होगा, किसमें बोल रहे हैं ये होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा दिसंबर में ये फोन आएगा 5G के साथ में। थर्कियो जब आएगा इंडिया में तो उसकी अनबॉक्सिंग देंगे, तब आपको और भी जानकारी दे दूंगा। हाल ही में दोस्तों Realme RMX 3063, ये मॉडल नंबर अभी बहुत मशहूर हो रहा है पिछले कुछ दिन से, RMX 3061 और 3063 इधर उधर सब जगह लिस्ट हुए, लेकिन अब USFCC सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गए हैं, जहां पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर आई है। एक तो उसमें Realme UI 1 चलेगा, दूसरी चीज 5000mAh की बैटरी है और थोड़े बहुत कनेक्टिविटी वाले ऑप्शन बाहर आ गए और उसके बाद आपको कैमरे का कटआउट भी पीछे से दिख रहा है। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है दोस्तों कि शायद ये कोई एंट्री लेवल वाला फोन हो सकता है, Realme का सी सीरीज वाला होगा या शायद Realme 8i हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस मॉडल नंबर के साथ में हमें अभी तक ऐसे लग रहा था कि कोई भारी फोन होगा, लेकिन वो क्लेम शायद अब यहां पर डिनाई हो सकता है। अब देखते हैं ये फोन कौन सा है और क्या खास निकल कर आता है दोस्तों, ये तो जब आएगा तो ही हमें पता चलेगा। फाइनली Vivo का जो V20 Pro है, ये इंडिया में 2 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा, ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ गई है। यस, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है, स्नैपड्रैगन 765G 5G प्रोसेसर होगा और मुझे लगता है फाइनली OnePlus Nord को कोई ऐसा फोन आएगा जो टक्कर दे सकता है, और इसकी प्राइस भी बताया कि थोड़ी अग्रेसिव होगी, मतलब 30,000 के नीचे होगी, तो मजा आएगा। अनबॉक्सिंग मिलेगी, साथ में गिव अवे करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, आने दीजिए, 2 तारीख को आपको सारी जानकारी दे देता हूं। एक सेकंड और, हाँ स्किप करने की ये सजा है, और जो लोग स्किप नहीं किए उसके लिए सॉरी। हाँ अभी क्या है ना दोस्तों, PUBG मोबाइल इंडिया की फिर से खबर आई, आई एम सॉरी अगर आपको खंटा ला रहा है, लेकिन क्या करें, आ रही तो देना पड़ रहा है। PUBG मोबाइल इंडिया का ना दोस्तों एक्चुअल जो ऐप जो वर्जन है उसका, मतलब एपी के समझ लीजिए, वो मैक्सटम जो है उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो शायद टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने बताया, और उसके बाद वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। फिर दोबारा उन्होंने एक और ट्वीट करके ये बताया कि इवन दे गिव यू PUBG मोबाइल इंडियन मेन ऐप, यू वोंट बी एबल टू प्ले, एज सर्वर्स वोंट वर्क। उन्होंने कहा कि अगर आपको दे भी देवे बोलो तो आप नहीं खेल पाएंगे क्योंकि अभी तक इंडियन सर्वर्स रेडी नहीं है, और उन्होंने नीचे ये भी लिखा कि एक्सक्लूसिव वीडियो कमिंग सून। इसका मतलब शायद ऐसा लग रहा होगा कि जो स्ट्रीमर से उनको मिल चुका है और वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है मे बी, और जब सही टाइम आएगा तो ये गेम आपको मिल जाएगी, ऐसा मुझे यहां पर लग रहा है। तो ये अभी कुछ न्यू खबर यहां पर निकल कर आई है। स्किप करने की सजा थी, लाइक करिए जाइए, और जिन्होंने नहीं किया स्किप, आई एम सॉरी। बात करते हैं दोस्तों 4G की, ये गेम कहां गया अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। वैसे लीक्स थी कि 26 नवंबर को आने वाला था, मतलब वो तो कल हो गया, अभी तक ये गेम के कोई अता पता नहीं है, और इसके जो डेवलपर्स थे उन्होंने ऐसा बताया था कि नवंबर में आएगा, लेकिन नवंबर तो अभी जा ही रहा है, और ये मुझे लग रहा है कि पबजी की वजह से शायद रुका हुआ होगा, और इनकेस अगर पबजी आ जाए तो 4G को खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, मे बी, अब पता नहीं, जल्दी आ जाओ तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो बहुत बुरा हो सकता है। क्या मतलब कि दोस्तों बिल गेट्स, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने एक बार अपने स्कूल की प्रोग्राम कोड्स में कुछ छेड़छाड़ करी थी, ताकि उनका जो नाम है जहां पर लड़कियां हो वहां पर सिलेक्ट हो जाए और फिर उनको लड़कियों के बीच में बैठने का मौका मिले। इतने ठरके हो गए, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बोलते हैं, बाकी तो बोलते हैं। आज के न्यूज़ में खत्म होते, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।